नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे महा उपाय के बारे में जो जीवन के किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसे उपाय के बारे में जो आपके जीवन के असंभव कार्य को भी संभव कर दे? तो चलिए जानते हैं इस महा उपाय के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम असफलता के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सफलता के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम असफलता के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार की समस्या व्यक्ति के सामने आ रही है, उस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर वह कोशिश भी करे तो सकारात्मक नहीं सोच सकता। वह कहीं ना कहीं जाकर नकारात्मक सोच में डूब ही जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य शुरू करने जाता है तो सबसे पहले वह यह सोचता है कि शायद यह कार्य सफल ही नहीं होगा, वह इस कार्य में सफल ही नहीं हो पाएगा। और इसी तरह की गलत ऊर्जा के साथ में हम अपने कार्य को पहले ही बिगाड़ लेते हैं। इस तरह से जब मनुष्य नकारात्मक माहौल में होता है या ऐसे माहौल में होता है जहां उसे सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती, तब वह देवी देवताओं की शरण में आता है और वह वहां से अपने बल को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करता है। जब आप खुद को किसी कार्य में सफल करना चाहते हैं या नकारात्मकता से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं और सकारात्मक होकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तब आपको किसी एक देवी या देवता के ऊपर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको उनके सुरक्षा कवच पाठ को करना पड़ेगा। उसको आप कर सकते हैं, उसको नियमित रूप से आपको करना होगा। आप जिन भी देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं या जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं, उनके सुरक्षा कवच को आप पढ़ें। इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करें, जिससे कि आपका नियम टूटे नहीं और आप निरंतर अपने इष्ट की पूजा करते रहें, उनके साथ में जुड़े रहें, उनसे कनेक्ट रहें। जब भी आप किसी शक्तिशाली सुरक्षा कवच का पाठ करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ने लगती है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती, महाकाली चालीसा और कोई भी सुरक्षा कवच जिसका भी आप पाठ कर सकते हैं, यह सभी आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कई प्रकार के मंत्रों का जाप करता है, सुरक्षा कवच का तो पाठ करता ही है, या फिर गले में कोई धागा पहनता है, या अपने गुरु से कुछ सुरक्षा मंत्र लेता है, कोई सुरक्षा कवच लेता है। इस प्रकार से वह अपने शरीर, अपने मन की रक्षा करता है। उसी प्रकार से अगर किसी कवच को आप पढ़ते हैं, किसी सुरक्षा कवच को आप पढ़ते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखेगा और उससे आपको प्रवाहित नहीं होने देगा। कई ऐसे कार्य भी होते हैं जो इस प्रकार के उपाय से संभव हो जाते हैं, जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि यह कार्य पूर्ण होंगे, वह कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं। अगर आप देवी कवच पढ़ते हैं और उसको निरंतर आप पढ़ते रहते हैं, तो इससे आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। देवी कवच बहुत ही शक्तिशाली होता है। आप किसी भी देवी के कवच को पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती को पढ़ सकते हैं, महाकाली कवच को पढ़ सकते हैं, या जिन भी देवी में आपकी श्रद्धा है, आप उनके कवच का पाठ कर सकते हैं, उनका सुरक्षा कवच पढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा महा उपाय है जिससे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप भी कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जो कि रुके हुए हैं, जो जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देवी कवच अवश्य पढ़ें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, या आप किसी ऐसे अन्य कवच को पढ़ें जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो। इसके लिए आप अपने गुरु से संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस कवच का पाठ करें जिससे आपको फ़ायदा हो।
किस प्रकार से कवच का पाठ करें। जब भी आप किसी कवच को पढ़ेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। इसके लिए आपको अपने गुरु की आज्ञा लेनी होती है, अपने गुरु से समझना होता है कि उस कवच का पाठ आप कैसे करेंगे। इसके बाद ही आप उस कवच को पढ़ें। बिना जानकारी के किसी भी कवच का पाठ ना करें, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसका प्रभाव हम पर उल्टा भी होने लगता है। लेकिन इसके साथ यह भी है कि अगर आप पाठ को पढ़ते हैं, सही भी आप पढ़ रहे हैं, तो भी उसका उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए। इसलिए हमें किसी भी कवच को पढ़ने से पहले उसके नियम पता होना चाहिए। तो आप इस महा उपाय को करें, देखिए आपके कार्य कितने जल्दी सफल होंगे। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।